नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे एक स्टूडेंट निशान सिंह का मेरे को अभी एक मेल आया है और इनका ये पूछना है कि सर कास्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू के नंबरों पे। और ये एक्चुअली मैं इस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, इन्होंने मुझे एक आर्टिकल का लिंक भेजा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है। आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा इसका। तो जो हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल साहब, राजेंद्र पाल गौतम जी, इन्होंने फ्राइडे को एक चिट्ठी लिखी हमारे यूपीएससी के चेयरमैन साहब को। और यूपीएससी के चेयरमैन साहब को इस चिट्ठी में कुछ राय दी है राजेंद्र पाल गौतम साहब ने। और ऐसा बोलना है गौतम साहब का यूपीएससी के चेयरमैन को कि अगर आप ये राय इंप्लीमेंट करते हैं कि देखिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप समझिए, ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। एक मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिख रहा है कि आप अगर इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या ये मतलब निकलता है कि अभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? और कौन से बेसिस पे यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम साहब ने ये चिट्ठी लिखी है? और बात यहाँ पे इंटरव्यू की हो रही है, ठीक है ना। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का एक एग्जाम बहुत ज़्यादा फेमस है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हालांकि यूपीएससी बहुत सारे और एग्जाम भी कंडक्ट करता है, एनडीए, सीडीएस, सीडीएस, बहुत सारे और एग्जाम है, आपको पता ही है। बट जो सबसे मेन एग्जाम है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी मेंस का पेपर होता है ना, उस मेंस की कॉपी की जब आंसर चेकिंग होती है ना, तो आंसर चेकिंग जो प्रोफेसर्स कर रहे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि ये पेपर किसने लिखा है। मतलब कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पे, कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा हुआ होता, उसकी कास्ट कुछ भी नहीं पता होती है। जो पेपर चेक करने वाला प्रोफेसर होता है उसको कैंडिडेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं करती, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर चेक करता है, ऐसा बोला जाता है बहुत सारे प्रोफेसरों के द्वारा, ठीक है ना। तो यूपीएससी मेंस का जो पेपर कंडक्ट होता है उसके ऊपर कभी ये सवाल नहीं उठते। बट अक्सर क्या क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने इस बात का कंप्लेन की है कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इन बच्चों का ये बोलना है कि क्या होता है कि जब यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है तो अलग अलग कास्ट के बच्चों को अलग अलग सेग्रीगेट करती है। मतलब जनरल कास्ट के बच्चों को एक पूल में डाला जाएगा, बाकी जो रिजर्व कास्ट के बच्चे हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, उनको एक अलग पूल में डाला जाएगा और सबका अलग से इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और इसके चलते में होता यह है कि जब नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं तो इन बच्चों की ये शिकायत है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं और जो रिजर्व कास्ट के बच्चे हैं उनको अप्रोप्रिएटली नंबर थोड़े कम दिए जाते हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जो कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है इन बच्चों की तरफ से, प्लस राजेंद्र पाल गौतम जो कि हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से, कि जब भी किसी पर्टिकुलर बच्चे का इंटरव्यू हो यूपीएससी में तो इंटरव्यूअर को रैंडमली सेलेक्ट किया जाए। तो एक बच्चे के अगेंस्ट कौन सा इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यूअर होने वाला है, वो रैंडमली सेलेक्ट हो। मैं आपको एक बता दूं कि यूपीएससी सीएससी का जब इंटरव्यू होता है तो पूरा इंटरव्यू पैनल बैठता है, कोई एक इंटरव्यूअर नहीं बैठता है। तो ठीक है, बट पैनल को भी चुना जा सकता है रैंडमली, ऐसा तो नहीं है कि भाई पैनल को रैंडमली नहीं चुना जा सकता। तो कुल मिला के यहाँ पे यूपीएससी की जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी है उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। और एक्चुअली में यूपीएससी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के नंबर देने में सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब इस बात को थोड़ा न्यूट्रल तरीके से हम लोग डेसिफर करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। देखिए, अब अगर आप यूपीएससी के मेंबर्स की बात करो, जो लोग यूपीएससी में मेंबर बन के बैठे हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं है, दे आर स्टॉलवर्ड्स इन देयर फील्ड, समझ गए ना। वो कास्ट, क्रीड, धर्म, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे लेवल पे बैठे हैं कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं कि धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठा है तो उसके अंदर कोई बायस हो ही ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठे होते हैं बट वो धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते ही करते हैं। तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए, मान लीजिए कि ये जो बच्चे यहाँ पे राय दे रहे हैं और ये जो हमारे मिनिस्टर साहब गौतम साहब राय दे रहे हैं कि भाई जो इंटरव्यूअर्स हैं जब वो इंटरव्यू लेंगे तो उनको बच्चे की कास्ट के बारे में ना पता हो, उनको ये ना पता हो कि ये जनरल कैटेगरी का लड़का है या ये ओबीसी का लड़का है या ये आपका एससी का लड़का है या एससी एसटी कैटेगरी का लड़का है, तो ये ना पता हो इंटरव्यूअर्स को। अब खास बात ये होती है कि यार देखो, इंटरव्यू एक पर्सनल इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे आप कॉपी चेक नहीं कर रहे हो, वहाँ पे एज एन इंडिविजुअल एक इंटरव्यूअर के सामने आप पहुँच रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है टेक्निकली कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की कास्ट छुपाई जा सके? बिल्कुल, देखिए, अगर आप ये छुपाना चाहते हो कि ये जनरल कैटेगरी का बंदा है या ओबीसी का है या एससी एसटी का, तो ये आप छुपा सकते हो।
जब भी आपका डैफ होता है ना, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आप मेन से पहले भरते हो, वो इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, तो आप डैफ में से एक काम कर सकते हो कि जो कास्ट है जनरल ओबीसी एससी एसटी वो हटा सकते हो। अब उसमें होगा ये कि जो कुछ ऑब्वियस अपर कास्ट दिखती हैं, जैसे कि जो फॉर एग्जांपल ब्राह्मण नेम्स होते हैं, जैसे त्रिपाठी कास्ट होगी, तो इसमें तो पता चल जाएगा कि ये अपर कास्ट का है, लेकिन बहुत सारी कास्ट में नहीं पता चल पाएगा। अभी सिंह है तो सिंह कास्ट में लोग जनरल में भी मिलते हैं, आपके ओबीसी में एससी एसटी सब में मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी एससी एसटी सीधे सीधे डैफ में नहीं लिखते हो, जो कि वहाँ पे इंटरव्यूअर के हाथ में होगा, तो उस केस में इंटरव्यूअर के लिए डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि पर्टिकुलरली कौन सी क्लास का बनता है। ये डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, नाम तो इंटरव्यूअर के सामने जाएगा ही, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें तो देखिए उस पर्सन के पास जाएंगी ही, और जानी भी चाहिए, नहीं तो वो आपकी पर्सनालिटी को एसेस कैसे करेगा। ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी को तो वहाँ पे एसेस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब इंटरव्यूअर बोर्ड बैठा हो, तो ये पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की कास्ट उस बोर्ड के सामने ना डिस्प्ले की जाए। अब सवाल देखिए यहाँ पे एक और चीज़ पर उठता है। मान लीजिए, मतलब मैं यहाँ पे ये एसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कास्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए वो चार मेंबर का इंटरव्यू बोर्ड बैठा है और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको क्या लगता है कि उस चार मेंबर या पांच मेंबर के इंटरव्यू बोर्ड में किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर आपके नंबर डिपेंड करते हैं? नहीं, आपके नंबर उन चारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अलग बात है कि जो चार पांच मेंबर्स वहां पे बैठते हैं, उसका जो हेड होगा, जो मेन पर्टिकुलर पर्सन होगा जो बीच में बैठा होगा, उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, वो चाहे तो नंबर आपके बढ़वा सकता है, वो चाहे तो नंबर आपके घटवा सकता है। लेकिन जब चार पांच का पैनल बैठ कर आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, तब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इस चीज के चांसेस देखिए थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उन पांच लोगों में से भी इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हर क्लास के लोग बैठे हो, केवल जनरल कैटेगरी या अपर कास्ट के लोग नहीं, आपके डिफरेंस क्लासेस के लोग भी वहां पे बैठे हुए होते हैं। तो जब भी आपका इंटरव्यू पैनल बनाया जाता है, इस बात को इंश्योर किया जाता है कि उसमें वैरायटी हो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? दूसरी बात देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं और सारे लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। हो सकता है कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठा हो और वो तब भी डिस्क्रिमिनेशन करे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ओके, ओवरऑल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के लेवल पे पहुंचा है वो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करे, वो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट भी जाता है, ओवरऑल यूपीएससी की गरिमा के अगेंस्ट जाता है। तो अभी के कंटेक्स्ट में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप किसी रिजर्व क्लास के मेंबर भी हो, तो निश्चिंत होकर इंटरव्यू दीजिए। 99% केसेस में आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एटलीस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू में तो नहीं होगा, बाकी किसी प्रोसेस की बात नहीं की जा सकती यहाँ पे। और चूंकि ये रिफॉर्म की डिमांड यहाँ पे गौतम साहब के द्वारा की गई है, तो हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डैफ में से आपकी जो कास्ट है, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटाया भी जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट यूपीएससी पे ये इल्ज़ाम लगाना कि भाई सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बच्चों को कास्ट के बेसिस पे कम नंबर दिए जा रहे हैं, हो सकता है एक दो केस में हो गया हो, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने डिस्क्रिमिनेशन किया हो, हर केस में देखिए ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप लोगों का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। आपका क्या कहना है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, मैं आपके व्यू पॉइंट ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा बाइस्ड माइंडसेट से अपने व्यू पॉइंट मत दीजिएगा। आप बिल्कुल ऑनेस्ट माइंडसेट से अपने व्यू पॉइंट दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।